न जाने ये लड़कियों का प्यार कैसा होता है, जताना नहीं आता या बताना नहीं आता। और इस फिल्म के अंदर आप देखेंगे कि प्यार कम तकरार ज़्यादा दिखती है प्यार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जाएंगे कि कैसा प्यार है, कभी कुछ फेंक देते हैं कभी कुछ फेंक देते हैं? अरे प्यार ये है कि फेंकेंगे तब जाके नोटिस करेंगे। मैं जो हूँ संजना पटेल का किरदार कर रही हूँ, ये मेरे साजन पटेल हस्बैंड है, शादीशुदा है। अब शादीशुदा होते हैं तो पति तो भूल ही जाते हैं कि बीवी घर पे है, उनके लिए वेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीवी को ये लगता है कि यार ये क्यों सुन नहीं रहे मेरी बात, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो अब क्या किया जाए, पूरा दिन हम किचन में रहते हैं, घर का काम करते हैं, तो हमारे पास तो ये हथियार हमेशा रहता है, तो क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। तो चाकू हो, टमाटर हो, गोभी हो, जो है मैं सीधा उस पर फेंकती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुझे नोटिस करेंगे। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, जो पत्नियां होती हैं इनको सेकंड नेम क्या देते हैं, विलेन बोलेंगे कि अपनी जिंदगी के विलेन है ये? मेरे यहाँ पर तो गब्बर सिंह से भी ज़्यादा है विलेन, बड़ी विलेन है ये मेरे घर पे, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ, बहुत डरता हूँ इससे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और मॉम से भी डरता हूँ, अपनी माँ से भी डरता हूँ, तो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ बेसिकली। तो एक दो मेरे जो एक दो दोस्त हैं मेरे, वही मेरा एक आखिरी सहारा है, जिनके पास मैं बाहर जाके अपनी बातें बता सकूँ, उनके साथ बैठ सकूँ, क्योंकि वो मेरा गुस्सा भी झेलते हैं और मेरी दोस्ती भी मैं निभाता हूँ वो भी झेलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कैरेक्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉक्सेस है, बहुत ज़्यादा अलग अलग शेड्स हैं कैरेक्टर के, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको प्ले करने में। चलिए आपसे जानना चाहेंगे सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लगा जो एक्टिंग की तरफ रुक हो गया? नहीं नहीं, वो मैंने पूरी करी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी नहीं करी। आई डिड माई इंजीनियरिंग एंड मेरी जॉब भी लगी थी एक आईटी कंपनी, मगर जब वो जॉब लगी और एक महीना मैंने जॉब करी, तो वो एक महीना मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक साल काम कर रहा हूँ, ऐसा आप समझ गए। तो वो दैट पॉइंट वॉज माई रियलाइजेशन पॉइंट कि नहीं, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई नीड टू डू व्हाट आई लव टू, एंड दैट वॉज एक्टिंग। सो ये मैं कह सकता हूँ आपको। बहुत सारी कॉमेडी मूवीज अब आ रही हैं, काफ़ी पेयर में कपल्स में आ रही हैं, इस कॉमेडी में क्या डिफरेंट है जो देखने को? सर बेसिकली मैं कहूँगा कि बहुत सी कॉमेडी मूवीज आती हैं, कोई इसमें हमने ना स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं करी है या सेक्स कॉमेडी करने की कोशिश करी है, इसमें हम सब अपना सीरियसनेस दिखा रहे हैं, बट जो सिचुएशंस हैं हमारे आसपास वो सब कॉमेडी है। इनमें आपने देखा होगा कि हमेशा लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मगर ये लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीन स्टोरीज हैं, दो मैरिड हैं एक अनमैरिड है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या नोकझोंक, और तीनों अलग स्टोरीज एक में कंबाइन होती हैं, फिर अपने अपने में लग जाती हैं, फिर कंबाइन होती हैं। सो आपको बहुत ही नयापन, रिफ्रेशिंग न्यू स्टोरी विच आपने अभी तक नहीं देखी होगी, कुछ नया जो वाइफ हस्बैंड के बीच में होता है वो घर घर की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत ही आज की चीज़ें, न्यू जनरेशन प्रॉब्लम्स यू विल गेट टू नो। या इस फिल्म के अंदर किस किस लड़के ने थर्मामीटर अपने साथ रखा, क्योंकि हॉटनेस ऑल अराउंड, फीवर तो चढ़ना ही था? सर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक्चुअली हम वैसी गर्मी इतनी पड़ी, मगर इतनी पड़ी क्योंकि हम वैसे भी कश्मीर में शूट कर रहे थे, 70% ऑफ आर मूवी इज शॉट इन कश्मीर, तो वहाँ पे इतनी ठंड, वही कह रहा हूँ, तो वहाँ पे इतनी ठंड थी ये रहती थी, तो वहाँ पर गर्मी पसीने नहीं आते थे, मगर यह है कि हमारे को गर्माइश रहती थी आसपास, या गर्माइश, वेरी नाइस, हिंदी यूज कर रहे हैं हिंदी। सो आपका रोल जानना चाहेंगे मूवी के अंदर? जी मेरा कैरेक्टर नेम पूजा मेहता है, इसमें मैं टोनी सिंह की गर्लफ्रेंड प्ले कर रही हूँ। तो इन शॉर्ट हमारा, वी आर अनमैरिड इसमें, और नॉर्मली होता है जैसे इनका नाम है साहिल आनंद, तो ये अपने सरनेम आनंद का बहुत ही ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया है बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके बाहर, हाँ लुलुप्त्या। सो बेसिकली ये कमिटमेंट फोबिक है, तो मैं चाहती हूँ कि भैया शादी कर लो मुझसे, मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है पर इनको शादी करनी नहीं है, तो या सो इट्स अबाउट दैट। ये जो चाकू वाला सीक्वेंस है इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, ये जानी है चाकू है ये? नहीं, रियल चाकू था, उस पर ना हमने टेप लगाई थी ना उसको कवर किया था, प्रॉपर अच्छा सा रियल किचन से लाया हुआ ताज़ा चाकू था जो इस पर फेंका गया था, कंधे पे फेंका गया था, और मुझे पता था कि हैव टू मेक श्योर दैट उसके चेहरे को डैमेज ना हो, तो कहीं ना कहीं वो तो हो चुका। चलिए ये सब सुन के तो लग रहा है कि ये बिल पास हो जाना चाहिए सर। ये बिल पास हो, इसलिए तो मैं इसके मोर्चे में लगा हुआ हूँ कब से कि पास हो जाए, और बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे कि 2 साल में पास होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये हो ही जाए 2 साल में पास साजन पटेल के लिए। रियल लाइफ में ये चीज़ नहीं मानता हूँ जेन्युइनली, लेकिन देखते हैं सीक्वल में शायद पास हो। आप सोचिए कि अगर वो घर पे रहते हैं और उनको इतनी मार पड़ती है, अगर ये बिल पास करवा दिया तो इनकी क्या हालत हो जाएगी, ये इन्हें नहीं पता। तो असली बंदूक अभी तो चाकू दिखा दीजिए एक बार, वो बिल्कुल एकदम नटव स्टाइल या जी जरूर चले, तो शायद ऐसी अगर हो जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है हर हाउसवाइफ को ऐसा होना चाहिए, तब जाके कहीं पति को लगेगा कि सुननी चाहिए हाउसवाइफ की बात, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये स्टंट जो अभी ये कर रही है आप घर पे ट्राई ना करें, प्लीज ट्राई कीजिए। चलो रेडी, या
मैं ड्रीम में हूँ और ये मारेंगी मुझे बाद में। साजन या पूजा, साजन हाँ पूजा, कम क्लोजर पूजा पूजा हाँ पूजा। संजना तारामा की सेंस से तो अब मेरे सपनों भी पाबंदी लगाएगी तू? ड्रीम ऑफ मी एंड योर मदर। अरे यार मुझे हक के सपने देखने का समझी तू? चुप। एक काम करता हूँ दोबारा सो जाता हूँ, शायद वापस पूजा आएगी ड्रीम में। तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? नहीं दूसरी पूजा, वो दूसरी पूजा है। भाई क्या है ये, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है भाई, ये क्या है आपस में लगे हुए हैं? और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लगती है कि जब मेन लीड में जब आता है तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं? जी ऑब्वियसली जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ती हैं और बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपकी ये यू आर प्लेइंग अ लीड, सो ऑब्वियसली ये है। एंड देखो अपने आप अभी तक जो भी करा है अपने आप करा है एंड किसी की सपोर्ट नहीं है, तो ये भी पता है कि अगर ये मूवी ने कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ गया जैसे बाकी सब का होता है। तो बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये मूवी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं सबने, गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत चल रहे हैं आजकल यूट्यूब में, सो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स बी पॉजिटिव एंड या आपसे जानेंगे क्या इंडस्ट्री के अंदर गॉडफादर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, मौका नहीं मिल पाता, एक्टिंग अच्छी होती है, स्किल्स अच्छी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस? आई थिंक इंडस्ट्री में गॉडफादर होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे हमारा कोई भी गॉडफादर नहीं था, ऑल ऑफ अस हैव बी आर हियर बिकॉज ऑफ आर ओन हार्डवर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को एक पुश मिलता है क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में थे, तो प्रेफरेंस उन लोगों को ज़्यादा दिया जाता है, उनको लॉन्च किया जाता है, जबकि न्यू कमर्स हम जो आते हैं बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती है एंड यू नो वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट टू एक्चुअली एंटर अ ए ग्रेड बैकग्राउंड या लॉबी रादर। सो पर्सनली आई फील येस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपका भी डेब्यू क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल गॉड फादर काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेज बन गए हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेज जो मौका दे रहे हैं नए न्यू कमर्स को, लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि येस कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स हैं देर लैकिंग देयर, मतलब टैलेंट है लेकिन दिखा नहीं पा रहे? हाँ जैसे नियति ने कहा कि हर किसी को गॉड फादर होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके थिंग्स बिकम लिटिल ईजी। मैं ये नहीं कहती कि वो मेहनत नहीं करते, जो स्टार किड्स होते वो मेहनत नहीं करते, बट उनको पता है कि उनकी मेहनत कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे दिखेगी, लोगों तक पहुंच पाएगी, जबकि हम मेहनत करते तो हमें तो यहाँ तक पहुंचने की पहले मेहनत करनी पड़ती है कि अच्छे बैनर तक पहुंचे, उसमें चांस मिले, तो हमारी ही स्ट्रगल कहीं ना कहीं डबल होती है उनसे। तो हाँ गॉडफादर होना तो ज़रूरी है, बट ठीक है नहीं है तो क्या है, हम हैं कर लेंगे, तोड़ फोड़ के सब कर लेंगे। जाते जाते मोहित चौहान का एक गाना है जो आपने गाया, बहुत ही खूब गाना है, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, जाते जाते आपसे जरूर सुनना चाहेंगे जस्ट। मेरे दिल का साज बन के लफ्ज़ों में आ रहे हो तुम, मेरे दिल का साज बन के लफ्ज़ों में आ रहे हो तुम, धीमी धीमी सी हवा में घुल के सांसें महका रहे हो तुम जिससे धड़कन मिले मिट गए फासले, बहका है दिल बहकी है जा बहके है रास्ते, महरम मेरे तू ही मेरी जिंदगी है, महरम मेरे तेरा इश्क बंदगी। वाह वाह वाह। तो ये थी पूरी स्टारकास्ट, बहुत ही ज़्यादा मस्ती होने वाली है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से, अगर ऑफ स्क्रीन इतनी मस्ती तो ऑन स्क्रीन की मस्ती देख के क्या धमाल होने वाला है। कैमरामैन रजीश के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।